हेलो एवरीवन दिस इज़ अलवीरा एंड वेलकम बैक टू स्टेस टू एक्सेलेंस जहां आपको बीएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन वीडियोस मिलते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेव वाइगॉड्सकी की थियोरी ऑन सोशल डेवलपमेंट इस वीडियो में हम सामाजिक विकास के हर पहलू को जानेंगे वाइगॉड्सकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सो so इस वीडियो को स्टार्ट टू तो एंड तक देखें और पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर करें इफ आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद नमेशन अबाउट लेफ्टॉड्स की हु इज लेफ्टॉड्स की वाई की कौन थे लेव लेफ्टॉडकी वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ही डेवलप्ड द थियोरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट विच इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज सोशल डेवलपमेंट थियोरी उन्होंने सोशियो कल्चरल थियोरी डेवलप की जिसे हम पॉपुलरली सोशल डेवलपमेंट थियोरी के नाम से जानते हैं मेजर बी एड सब्जेक्ट्स या फिर सीटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि चाइल्ड हुड एंड पेडागॉगी और लर्निंग एंड टीचिंग में इनकी थियोरीज बहुत अहम रोल प्ले करती है वाई गॉड्स कीज थियोरी एम्फोसाइज द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाइगोसकी का मानना है कि सोसाइटी और कल्चर बच्चों के विकास में एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करती है ही बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग इसीलिए उन्होंने अपनी थियोरी में इन दोनों पॉइंट्स को एम्फेसाइज़ किया मतलब महत्व दिया किसी भी बात या इवेंट का मतलब बनाने के लिए हमारी कम्युनिटी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है इस बात पर वाइगौथ की स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और जोर देते हैं वॉट इज सोशियो कल्चरल थियोरी सोशियो कल्चरल थियरी स्ट्रेस द रोल दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेज इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इस थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन को एक पर्सन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है इस बात को इम्पोर्टेंस दिया गया है इस थियोरी के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चरल परसपेक्टिव आवर साइकोलॉजिकल ग्रोथ इज गाइडेड बाई पीपल इन आवर लाइफ्स हु आर इन मेंटो टाइप रोल्स सच एज टीचर्स एंड पेरेंट्स इस थियोरी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ को हमारे साथ हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो गाइड करते हैं फॉर एग्जांपल जो मैंटोज टाइप के होते हैं जैसे कि टीचर्स या फिर पेरेंट्स सोशियो कल्चरल थियोरी इज़ बेस्ड ऑन थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सोशियो कल्चरल थियोरी को अगर आपको जानना है तो इसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा जिसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है सोशल इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन मतलब आप किस तरह के लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हो कम्युनिकेट करते हो सेकेंड एस्पेक्ट है लैंग्वेज किस तरीके का भाषा इस्तेमाल किया जाता है जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो कम्युनिकेट करते हो वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं किस तरीके से आपके साथ बात करते हैं वो फ़र्क पड़ता है वो डिपेंड करता है ठीक है एंड लास्ट एस्पेक्ट है कल्चर किस तरह का कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग ये सारे फैक्टर्स एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है और शेप करता है सो so इसीलिए इन तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप सोशल डेवलपमेंट थियोरी को पढ़ोगे इस थियोरी को और डिटेल्स में जानने के लिए हमको डिस्कस करने पड़ेंगे इसके कुछ मेजर थीम्स इसमें सबसे पहला थीम है मोर नॉलेजेबल अदर एम रिफर्स टू समन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी लेवल दैन द लर्नर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टास्क प्रोसेस और कंसेप्ट एम के ओ हम उस व्यक्ति को रेफर कर सकते हैं या कह सकते हैं जो लर्नर से थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता है या उसकी केपेबिलिटी जो है ना जो लर्नर सीख रहा है उससे बेटर होगी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप टीचर को कह सकते हो कोई एडल्ट हो गया कोई एडवांस स्टूडेंट्स एडवांस स्टूडेंट्स मतलब वो स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े से गिफ्टेड होते हैं ठीक है वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं एंड उनकी जो नॉलेज है उनकी जो आईक्यू है उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो नॉर्मली जो स्लो लर्नर से उनसे बेटर होगा तो ऑब्वियसली जो स्लो लर्नर है उसके केस में अगर उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो ये जो लर्नर्स है ये एडवांस हो सकते हैं एंड इवन समाइम्स कंप्यूटर को भी मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि एम के ओ माना जाता है क्योंकि ह्यूमन बींग के पास वो सारे कंसेप्ट या फिर वो इन्फॉर्मेशन हो पाना मुश्किल है पॉसिबल नहीं है ठीक है ना हम एक व्यक्ति इतने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता है पर एक सिंगल कंप्यूटर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है तो इसीलिए समटाइम्स कंप्यूटर को भी मोर नॉलेजेबल अदर माना जाता है क्लियर नाउ नेक्स्ट थीम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड पी डी This is an important concept that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and the encouragement from a skilled partner. ZPD एक बहुत ही important concept है जो हमको ये difference बताता है कि एक बच्चा खुद क्या independently achieve कर सकता है और वो guidance किसी skilled partner या teacher की मदद से क्या achieve कर सकता है. ZPD तीन स्टेजेस में फंक्शन करता है पहला स्टेज वो थिंग्स द चाइल्ड जस्ट कान डू येट रिगार्डलेस ऑफ स्कैफ होल्डिंग मतलब बच्चा खुद क्या चीज़ नहीं कर सकता है जब तक उसको स्कैफ होल्डिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है स्कैफ होल्डिंग मतलब मदद होती है सपोर्ट होता है इसके बाद का स्टेप आता है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये वो स्टेज है वेयर थिंग्स अ चाइल्ड कैन डू विथ बिट ऑफ हेल्प ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा मदद से कोई एक पर्टिकुलर काम को करना सीख रहा है दिस इज़ द स्पेस वेर लर्निंग एंड ग्रोथ अकर्स। ये वो स्पेस है जहाँ पर बच्चे की लर्निंग और ग्रोथ दोनों ही हो रही है फॉर एग्जाम्पल बच्चा शुरुआत में अकेले साइकिल चलाना नहीं जानता है जेड पी डी लेवल में क्या होता है वहाँ पर कोई एक एडल्ट व्यक्ति चाहे उस बच्चे का फादर हो या फिर कोई उसका भाई हो या कोई फ्रेंड हो जिसे ऑलरेडी साइकिल चलानी आती है वो उसको सपोर्ट करता है वो उसको साइकिल चलाना सिखाता है एंड फाइनली आफ्टर जेड पी डी द थर्ड स्टेज कम्स वेयर द चाइल्ड कैन डू ऑल थिंग्स ऑन देयर ओन फाइनली बच्चा इंडिपेंडेंटली थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पर वो इंडिपेंडेंटली पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर किसी काम को या टास्क को प्रोसेस को कर सकता है एंड आवर नेक्स्ट एंड लास्ट थीम इज स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पररी हेल्प प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स और लर्नर्स जो भी व्यक्ति लर्नर कह लीजिए या स्टूडेंट कह लीजिए जब वो सीख रहा है लर्निंग प्रोसेस में है उसे जो टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है इट कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय द एजुकेटर और मोर कम्पिटेंट पियर टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स एज ही और शी इज़ लेट थ्रू द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जब एक लर्नर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के स्टेज पर है जहाँ पर उसे किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर कोई एजुकेटर या फिर कोई एडल्ट या फिर पियर जो उस बच्चे के साथ पढ़ता है उस लर्नर के साथ पढ़ता है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है वो उसको सिखाता है पर्टिकुलर टास्क कह लीजिए कोई भी कंसेप्ट कह लीजिए उस हेल्प को उस स्टेज को हम स्केफ कहेंगे हम वायगौदगी की सोशल डेवलपमेंट थियोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट मतलब हमारा समाज में हमारा क्या विकास हो रहा है किस तरीके से हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में जब हम सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेट करते हैं हम इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट टूल की ज़रूरत पड़ती है वो है हमारी भाषा वो है हमारी लैंग्वेज अब हम वाई के पर्सपेक्टिव लैंग्वेज के लिए क्या है डिस्कस करते हैं वाई बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़ एक व्यक्ति जब अपने आसपास के लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके कम्युनिकेशन के लिए उसके इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज जो सबसे बड़ा टूल है वो उसकी मदद करता है तो इस तरीके से जो एक व्यक्ति का लैंग्वेज है जो उसकी भाषा है वो डेवलप होती है जिसकी मदद से वो पर्टिकुलर इंसान वो पर्टिकुलर व्यक्ति अपने फीलिंग्स को अपनी इमोशंस को अपने आस के लोगों के साथ में शेयर कर पाता है फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड लैंग्वेज इज़ मैंस ग्रेटेस्ट टूल मैंने कहा था ना आपको कि अगर हमको बाहरी दुनिया के साथ में कम्युनिकेट करना है इंटरेक्ट करना है तो भाषा ही एक सबसे अहम और ग्रेटेस्ट टूल कहलाता है उसकी मदद से ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लैंग्वेज के तीन प्रकार होते हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज सबसे पहला है सोशल स्पीच सोशल स्पीच मतलब वो स्पीच जो एक व्यक्ति एक छोटा बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए इंटरेक्ट करने के लिए इनिशियल लेवल में यूज़ करता है अपने इमोशंस को जो उसकी सिंपल फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करता है फॉर एग्जाम्पल जब एकदम ही बच्चा बोल नहीं पाता है तो वो रोकर अपनी परेशानी जाहिर करता है जब बच्चा खुश होता है तो हंसकर अपनी खुशी जाहिर करता है पर जब धीरे धीरे एक बच्चा स्पीच डेवलप कर लेता है मतलब वो लैंग्वेज को सीख लेता है तब वो अपने एक्सप्रेशंस अपने वॉन्ट्स इन सब के लिए सिंपल वर्ड्स सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल करता है फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को भूख लगी होती है तो वो सिंपली कहेगा आई वॉन्ट मिल्क मुझे दूध चाहिए मुझे पानी चाहिए जो उसको सिंपल वर्ड्स सिंपल सेंटेंसेस होता है उसके जो बेसिक नीड्स होते हैं उसको वो एक्सप्रेस करना धीरे धीरे इस लेवल में सीख जाता है उसे हम कहते हैं सोशल स्पीच नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज प्राइवेट स्पीच ये वो स्पीच है जो हमको यूजुअली तीन से सात साल के बच्चों में देखने को मिलता है इसे इगो सेंट्रिक स्पीच भी कहा जाता है इसमें क्या होता है जो बच्चा ना वो अपने आप से बातें करता है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इन द फर्स्ट स्टेज कि जो बच्चा है वो दूसरों से कम्युनिकेट कर रहा है अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है अपनी फीलिंग्स अपने वॉन्ट्स को वो सिंपल वर्ड्स में सिंपल सेंटेंस के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है समझाने की कोशिश कर रहा है पर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा खुद से ही बातें करता है फॉर एग्ज़ाम्पल जब इनिशियल लेवल में बच्चा काउंटिंग करना सीखता है अगर आप उसे कुछ भी नंबर्स दे दो काउंट करने के लिए तो अपने फिंगर्स निकाल ज़ोर ज़ोर से काउंटिंग करता है पर वो ज़ोर ज़ोर से इसलिए काउंटिंग नहीं करता है कि वो सामने वाले को बताना चाहता है कि वो क्या काउंट कर रहा है वो अपने आप को समझने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को समझने के लिए ज़ोर ज़ोर से अपने आप में ही बातें करने की कोशिश करता है इस स्टेज में जो प्राइवेट स्पीच का स्टेज है जिसे हम ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं ये एक ब्रिज के जैसा काम करता है स्टेज वन और स्टेज थ्री में एंड हमारा लास्ट स्टेज है साइलेंट इनर स्पीच ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा एक्सपर्टीज़ को अचीव कर चुका है उसकी जो स्पीच है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है अब वो इसलिए अपने आप से बातें करता है ताकि वो अपने मन के अंदर ही रखे उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाहर जाहिर करने की ज़रूरत नहीं होती है उसके काम के थ्रू उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका जो एक्सपर्टीज़ है वो अपने आप दिखने लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एडिशन का सम किसी एट्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को दे दो और किसी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को दे दो तो आपको ऑटोमेटिकली इस स्पीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा जो थर्ड स्टैंडर्ड वाला बच्चा है वो अपनी उंगलियों से काउंटिंग करेगा या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काउंटिंग करेगा और जोर जोर से काउंटिंग करेगा सो दैट ही कैन मेक श्योर कि वो जो काउंटिंग कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है बट जो यहाँ पर एट्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है या फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा है वो क्या करेगा साइलेंटली अपने माइंड में काउंट करेगा वो लोगों को बताएगा नहीं ऑटोमेटिकली जब वो अपने आंसर्स को लिखेगा आप तभी समझ जाओगे हाँ इस बच्चे को एडिशन आती है इसने प्रॉपर काउंटिंग कर लिया है मतलब इसको काउंटिंग अच्छी तरीके से आती है तो इस तरीके से जो हमारा स्पीच है जो हमारा लैंग्वेज है वो डेवलप होता है तीन अलग अलग स्टेज़ में जो प्राइवेट स्पीच है वो सोशल स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच के बीच में ब्रिज का काम करता है दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है क्लियर जो थियोरीज़ होते हैं ना वो अपने आप में ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल्स यूज़ कर रही हूँ या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो बहुत ही इजी एग्जांपल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो इस थियोरी को समझने में क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा कंसेप्ट है और इतने सारे थियोरीज़ है कि हमको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए ना एज अ टीचर आपने इस थियोरी से क्या सीखा और किस तरीके से आप इस थियोरी को अपने क्लासरूम में अप्लाई करोगे इसके लिए डिस्कस करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन सबसे पहला इम्प्लीकेशन है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड लेसन फॉर एग्जाम्पल जो हमारा लेसन प्लान होता है हर रोज़ क्लास में जाने से पहले आप एक क्लास में क्या एक्टिविटी करवाने वाले हो इसकी आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा सो so दैट आपका जो क्लास का पर्टिकुलर टाइम है जो ड्यूरेशन है थर्टी मिनट से फोर्टी मिनट्स से वो कम्प्लीटली इफेक्टिव हो नेक्स्ट एम्प्लीकेशन है यूजिंग हिंद्स प्रॉम्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कोई भी कंसेप्ट जो आप क्लासरूम में सिखा रहे हो उसे समझाते वक्त आप इस्तेमाल करेंगे हिंडस का हिट्स का इस्तेमाल करने से क्या होगा बच्चे ब्रेन स्टॉमिंग करेंगे वो अपने दिमाग पर जोर देंगे और सोचने की समझने की कोशिश करेंगे कि टीचर किस बारे में बात कर रहा है इससे क्या होगा बच्चों का जो माइंड है वो भी शार्प होगा एंड वो इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सेकेंड थिंग वॉट यू हैव टू डू इज टू गिव दम प्रॉम्स और डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉपरली सो दैट बच्चे क्या करें देख कर सीख सके कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो स्लो लर्नर्स होते हैं और ऐसे बच्चों के साथ में डील करने के लिए आपको डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके बताना समझाना बहुत अच्छा रहेगा और इफ़ेक्टिव रहेगा जहाँ पर एक अच्छी लर्निंग पॉसिबल हो सकेगी थर्ड थिंग आपको ध्यान में रखना है अगर कोई कंसेप्ट है जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेकर डिस्कस करना है तो वहाँ पर आप उनको बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट गाइडेंस का एक्सप्लेनेशन का सहारा ले सकते हो क्लियर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इज स्कै होल्डिंग स्कैफ़ होल्डिंग मैंने आपको क्या कहा था ये वो गाइडेंस है ये वो सपोर्ट है जब बच्चे को खुद को नहीं आता है ठीक है जब तक बच्चा एक्सपर्टीज़ अचीव नहीं कर लेता है इंडिविजुअली कोई एक पर्टिकुलर टास्क या कंसेप्ट को समझ नहीं पाता है तब तक जो सपोर्ट या जो गाइडेंस आप प्रोवाइड करोगे उसे स्कैप होल्डिंग कहा जाता है सो स्कै होल्डिंग प्रोवाइड करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी गाइडेंस से हमारे ही मार्गदर्शन से बच्चा आगे बढ़ेगा और सही तरीके से चीज़ों को सीख सकता है क्लियर एंड लास्ट एम्प्लीकेशन है एनकरेजिंग कोलाबोरेटिव लर्निंग कोलेबरेटिव लर्निंग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना क्लासरूम में सिर्फ टीचिंग या टीचिंग या टीचिंग ही हो रहा है बच्चा सामने से क्या सीखने की कोशिश कर रहा है बच्चे का पार्टिसिपेशन क्या है हैंड्स ऑन लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग ये सबको हमको इन्वॉल्व करना है क्लासरूम में जब हम कोई भी कंसेप्ट सिखा रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर टास्क या टॉपिक सिखा रहे हो क्लियर टू एवरी आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है आई होप आपको ये थियोरी अच्छी तरीके से और ईजिली समझ आ चुकी होंगी अगर आपको आज का हमारे सेशन पसंद आया है मेक श्योर sure कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना सो so दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे थैंक्सो लॉड फॉर वॉचिंग